लखनऊ के होटल में आग की घटना के बाद प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपदों में होटलों की सघनता से जांच के निर्देश के बाद आज मुरादाबाद की सदर कोतवाली इलाके के दर्जनों होटलों में फायर विभाग द्वारा की गई चेकिंग के दौरान भारी अनियमितताएं मिलने के बाद से विभाग हरकत में आ गया है और ऐसे सभी होटल संचालकों को नोटिस देने जा रहा है। दरअसल लखनऊ के लावेना होटल में लगी आग से हुई मौतों के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर के सभी बड़े होटल्स की बारीकी से जांच करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करते हुए मुरादाबाद फायर ब्रिगेड विभाग की कई टीमें सदर कोतवाली इलाके के बुध बाजार स्थित होटलों की जांच करने में लगी हुई है। फायर विभाग टीम ने जब अजंता होटल में फायर इक्विपमेंट और पानी के टैंक चेक किए तो टीम के तेवर बदल गए, क्योंकि ना तो आग बुझाने के उपकरण ही थे और ना ही आपातकाल के लिए पानी के टैंकों की कोई व्यवस्था थी। इसी तरह सम्राट होटल में भी बहुत सारी खामियां पाई गईं, यहां तो पानी का टैंक ही मौजूद नहीं है। अगर किसी कारण से आग लग जाती है तो वहां ठहरे लोगों का भगवान ही मालिक है, यही हाल ज्यादातर होटल्स में पाया गया है। ज्यादातर होटल के पास तो अग्निशमन विभाग की NOC ही नहीं है, ये सब नियमों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं। क्या चेकिंग के लिए आए थे, क्या हुआ, क्या देखा आपने, क्या? इसमें उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए हैं कि होटल, अस्पताल और मॉल्स की चेकिंग की जाए और उसमें जो कमियां है उसको सही कराया जाए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में इस समय मैं अजंता होटल में चेक करने आया हूं। तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अकार्यशील पाई गई हैं, अब इनको इस संबंध में निर्देशित किया जाएगा कि इसको सही करा करके इसकी सूचना हमको दें, जिससे पुनः निरीक्षण करके इसको जो है ठीक कराया जा सके। निरीक्षण के बाद इनकी जो कमियां पाई गई इनको लिखित में दिया जाएगा कि आप इतने दिन में इसको सही करा करके अवगत कराएं।